وعليكم وعليكم السلام. السلام. الله يسلمك يا رب. دحين خروج البيبي، مفروض خروج من الساعة 2. طيب. وبعدين احنا كلام الأب كتير كتير كتير. ايوه. بس ما في رد. خلاص؟ طيب. دحين انا خارجة هنا. بيبي का एग्जिट हुआ है अभी क्योंकि ऊपर थी 6 फ्लोर पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हम सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और व्लॉग अभी रात का टाइम है तो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी जाकर मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई है। रात मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर हूँ और अभी जाकर कुछ बेहतर हुई। तो ये मगरब के बाद का टाइम है, अंधेरा हो गया, तकरीबन इशा की अज़ान होने वाली है, मगरब और इशा के दरमियान का वक्त है और अभी मेरा व्लॉग जो है ना वो शुरू हो रहा है। और रुबीना बाजी भी आई हुई हैं। रुबीना बाजी बैठ बैठ के थक गई हैं। मैं बैठी रही थी। रुबीना बाजी यहाँ पे खड़े होकर वॉक करें और मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी वॉक करनी है क्योंकि काफ़ी देर से मैं भी बैठी हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि तकरीबन हर 2-3 घंटे के बाद ना तो यहाँ पे आपने वॉक करनी है, तो मेरी भी अभी यहीं पे वॉक ही चल रही थी। फिर मैंने कहा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और चलते चलते रुबीना बाजी से बात कर रही थी। रुबीना बाजी कह रही है कि आज तुम्हारे चेहरे की सूजन जो है ना वो काफ़ी उतर गई है। हाँ, कम देखे और कैसे साफ साफ बहुत वो नॉर्मल लग रहा है। फिर मैंने कहा हाँ, फिर मैंने मिरर मैंने वो देखा है शीशे में अपने आप को, मैंने कहा हाँ वाकई ना रुबीना बाजी आप सही कह रहे हैं कि काफ़ी जो है ना मेरे चेहरे की सूजन उतर गई है। खैर हम यहाँ पे अभी बातें कर रहे थे जो वो आप सबके साथ शेयर कर दी हैं और आगे हमारे व्लॉग की जो भी रूटीन होगी वो भी आप सबको बताएंगे इंशाल्लाह। रात है ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी बहुत ज़्यादा क्योंकि ज़ाहिर है कल पहला दिन था ऑपरेशन का और यहाँ पे जो सामने पेशेंट थी ना वो जा चुके हैं, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली है। इनके साथ बच्चे थे, रात इन्होंने भी बहुत डिस्टर्ब किया, वो काफ़ी शोर था इनका भी, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, चल जा चुके हैं तकरीबन कुछ देर पहले यहाँ से गए और मैं बस यहाँ पे इजी होके ना आराम आराम से वॉक कर रही हूँ। अच्छा हो गया ना रुबीना बाजी के ये चले गए हैं ना, हाँ शोर शराबा भी नहीं है। बार बार ना वो बच्चे बेड को हिला रहे थे तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, फिर रुबीना बाजी भी कह रही थी कि उनको रोको, फिर हमने कहा भी उन्हें कि हमें रूम चेंज करना, तो खैर वो खुद ही चले गए यहाँ से, हाँ दूसरे रूम में चले गए क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं ना, उन्हें नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो चले गए। और वहाँ पे देखें हमारे बेबी को, हाँ सुकून से सो रही है वो। पहले ना वो काफी डिस्टर्ब हो रही थी, डर रही थी, फिर रुबीना बाजी ने ना दूसरा ब्लैंकेट उसके ऊपर डाला है, वो थोड़ा वजनी हो गया है तो इससे ना भी वो सुकून से सोई हुई है। तो उसको मैंने डबल करके डाला, मैंने कहा बच्चा है ना तो डरता है, हाँ तो उसके ऊपर डबल करके डालो तो वो नहीं डरता, अभी आराम से सोई, वरना बार बार रो बार बार रो रही थी, हाँ रो रही थी। तो फिर मैंने डाला, अभी आराम से सुकून से सो रही है, अभी कमरे में भी सुकून है ना, कमरे में सुकून है। बच्चों ने काफी डिस्टर्ब किया था क्योंकि इनके वो दो बच्चे थे छोटे थे और आपस में ना लड़ रहे थे, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, दूसरे लोग होते हैं ना तो फिर कोई बात करनी है, हाँ। इस तरह से तो फिर मसला होता है, तो मैंने कहा आपके बेड को ऐसे ऐसे हिला रहा है तो वो ना हो जाए ना आपके पेट में दर्द या इस तरह से, हाँ तो शुक्र है समझ गए वो, चले गए हाँ। बस अभी यहाँ पे मेरी आराम आराम से ना हल्की हल्की वॉक चल रही है और आवाज़ भी बहुत मुश्किल सी है जो मैं निकाल रही हूँ ना, बहुत मुश्किल से मेरी आवाज़ निकल रही है, लेकिन अच्छा है मैं बिस्तर पे ना लेट लेट के बहुत काफ़ी टाइम से मैं सोई हुई थी। तो खैर अभी जो है ना मैं थोड़ा सा वॉक करके तो उसके बाद जो है ना थोड़ी सी रिलैक्स हो जाऊंगी क्योंकि काफ़ी जो है ना मैं सो कैसा लग रहा था, मेरे बैक में भी पेन हो रहा है तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। और सलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। और अल्लाह उनको सेहत दे और खैरियत से घर आए अपने घर में, और इनकी बेटी जो है अल्लाह करे कि ये साल इनका खुशियों वाला हो और हाँ। पूरी जिंदगी इसकी खुशी वाली हो और आगे कोई भी परेशानी ना आए, अल्लाह हाँ। पाक इनको खुशियाँ दे बहुत सारी। रुबीना बाजी मुझे कब से कह रही है कि इंशाल्लाह ये बच्चा ना हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बच्चा है तो बस मैं थोड़ी सी जो ना अभी रिलैक्स हो जाऊँ वॉक करके, तो फिर अभी इंशाल्लाह मम्मी से बात करते हैं, अम्मी को हम अपना बेबी दिखाते हैं, क्यूट सा प्यारा सा माशाल्लाह। भाई हमारा बेबी बहुत प्यारा है, अभी हम 2 दिन के बाद दिखाएंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह जरूर बोलना, बहुत क्यूट है माशाल्लाह। मैं आप सबको बता रही हूँ जो जो सीधी बात है, माशाल्लाह बहुत क्यूट, सब माशाल्लाह बोलना हमारे बेबी को और इनके लिए अच्छी प्यारी सी दुआ करना के नेक नसीब हो इसका इंशाल्लाह। बीना बाजी यहाँ पे हमारी बेबी को दूध पिला रही है, छोटी है ना गिरा देती है, हाँ वो अभी मुझे कह रही है कि इतना वो पीती नहीं है जितना बाहर गिरा देती है, निकाल देती है।
छोटी है ना, सो उसको पता नहीं चलता। हाँ, बेबी के भी खाने का टाइम हो गया और यहाँ पे देखिए मेरे खाने का भी टाइम हो गया। तो ये मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ये खाना आया हुआ है। यहाँ पे ये सूप है, एप्पल जूस है, पानी है और पता नहीं इसमें क्या है, अभी खोल के देखती हूँ मैं। यहाँ से अभी मुझे थोड़ा सा खाना खा के ना बस फिर ना ड्रिप लगने वाली है मुझे, इसलिए फिर मैंने कहा कि खाना खा लूँ थोड़ा सा यहाँ से। जाहिर है एक घंटा डेढ़ घंटा तो ड्रिप ले जाती है क्योंकि काफी उसे स्लो रखते हैं ड्रिप को। सारी रात ना इसने मुझे नहीं सोने दिया रुबीना बाजी, बहुत तंग किया है, इसलिए आज ना बाकी टाइम में रुबीना बाजी यहाँ पे आ गई। नहीं तो रुबीना बाजी यहाँ दोपहर में आती है। बहुत तंग के बिल्कुल नहीं इसने सोना नीचे, ये कहती बस मुझे उठा के कोई बैठा रहे बस। हाँ, उठा के बैठे रहो बस, ये देखें अब कुछ भी नहीं, रोएगी नहीं, अब नीचे लिटाएंगे तो फिर रोने लग जाएगी, फिर रोने लग जाती है। हाँ। बस अभी रुबीना बाजी से पकड़ती है तो मैं सोती हूँ कुछ देर के लिए। सुबह हो गई है और सुबह का नाश्ता यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, और ये रुबीना बाजी घर से कुछ लाई है खाने का और चाय भी बना के आई है। सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा फीका है। अभी मैं रुबीना बाजी को कह रही हूँ कि रुबीना बाजी बहुत ज़्यादा फीका है ये खाना, कह रही है हाँ ऐसे ही देंगे तो मेरे को चटपटा तो नहीं देंगे। ऑपरेशन है ना। हाँ, अभी तो फीका खाएंगे जब तक ठीक हो। और यहाँ पे देखे रुबीना बाजी ने मेरा दुपट्टा पहना दिए हमारी बेबी को, और ये मेरी नमाज वाली चादर, ये सब कुछ लपेट के ना उसे सुला दिया, अब सुकून से सोई हुई है। सारी रात, हाँ सारी रात तो इसने तंग किए मुझे। वो रुबीना बाजी ये कह रही है कि बस इसकी आदत ऐसे बनने वाली है कि ये रात को अब जागेगी और दिन में सोएगी। रुबीना बाजी से अच्छी तरह से कवर करिए कि से सर्दी से बची रहे, बार बार उठ के ना इसको देख रही है, इसे कवर करने की कोशिश करें। तो देखो आराम भी कर रही है ना फिर। हाँ। सर्दी से उसको बहुत सर्दी, क्योंकि पतला कपड़ा था सर के ऊपर। हाँ, सिर्फ वो टोपी पहनी हुई थी और ये ब्लैंकेट, ये वाला ब्लैंकेट जो है ना ये वाला। हाँ। डाले मैंने, फिर अभी देखो उसको, अभी मेरा दुपट्टा ये जो है ना गरम, ये और इसके अलावा काफी सारे और भी कपड़े डाल दिए। हॉस्पिटल आने से पहले रास्ते में मैंने ये शहद ली थी कि बेबी को हम शहद खिलाएंगे, और बस वो पहला दिन ऐसे हमारा परेशानी में गुजर गया। जब वो ब्लड की कमी बताई उसमें कुछ भी याद नहीं रहा, और मार्केट से ये स्पून भी मैं लेकर आई थी। हाँ, रुबीना बाजी कह रही कि प्यारे हैं। हाँ, वो मार्केट में गई थी, वहाँ पे मुझे कलर इनका अच्छा लगा था, फिर मैंने ले लिए थे मैं छोटे बेबी के लिए, और फिर अभी ये लेकर आई थी, मैंने कहा ये शहद ले लूंगी रास्ते से, इसे खिलाएंगे। हाँ। तो वो तो बस ऐसे टाइम गुजरा ऐसे। हाँ, जरूर देंगे, और छोटे बच्चों की चीजें कितनी अच्छी होती है, छोटी छोटी अच्छी होती है। हाँ, उस दिन मैं गई थी मार्केट, देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे छोटे छोटे, तो मैंने कहा नैना के बच्चे के लिए लूंगी ऐसे। हाँ हाँ, अल्लाह करे हो जाए नैना का बच्चा, फिर इंशाल्लाह। छोटे कपड़े मुझे बहुत अच्छे, बच्चों के बहुत प्यारे कपड़े होते हैं, बच्चों के बहुत प्यारे कपड़े यहाँ पे काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे बच्चों के। मैंने कहा तो था आपको, आप जब जाएंगे तो फिर शॉपिंग कीजिएगा यहाँ से बच्चों की। हाँ, बच्चों के लिए। हाँ। और तो किसी के लिए करे ना करे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हो, उनके लिए तो देख के लेने को दिल करता है, दिल खुश होता है। जैसे देखो ऐसे करता है कि सारे ले लो, इतने प्यारे कपड़े हैं छोटे छोटे। हाँ। तो अभी ना मैं ये रुबीना बाजी को दे रही हूँ। हाँ। कि रुबीना बाजी अभी अभी उठेगी ना, थोड़ा सा इसे शहद खिलाएं आप, कि मीठा इसे हमने नहीं खिलाया अभी तक। हाँ, कितने प्यारे। हाँ, कलर इनका बहुत प्यारा है। मैं इनको इसको देती हूँ थोड़ा सा पानी में डाल के ना, मिक्स करके। हाँ, फिर देती हूँ, फिर ये बच्चा है ना छोटा, इसलिए इसको सर्दी बहुत लगती है, इसको बहुत कवर किया है, अभी देखो आराम हो गया, सुकून हो गया। अभी मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोई नहीं हूँ ना रात, इसकी वजह से सारी रात जगवाया है। मैं तो नहीं थी आपके साथ घर पे थी, तो फिर बच्चे थे ना घर पे। नाश्ता मैंने कर लिया है और अभी रुबीना बाजी मुझे जूस डाल के दे रही है। जूस अभी ताज़ा ताज़ा फ्रेश है, मैं डाल के देती हूँ, पी लो। दें और आप भी पिए। आप पियो, मैं, हम तो कुछ और भी खा सकते हैं, इतना सारा तो मैं नहीं पीऊंगी। मैं कह रही हूँ कि आप भी पिए, वैसे पड़ा पड़ा ये खराब हो जाएगा। फ्रेश फ्रेश जूस अभी ना मैं नाश्ते के बाद उस पीने लगी। ये रहा मेरा नाश्ता जो मैंने नाश्ता किया, और ये रुबीना बाजी घर से चाय बना के लेकर आई थी मेरे लिए, और ये जूस भी रुबीना बाजी बना के लेके आई है, कैरेट और ऑरेंज का जूस है, मैं ये अभी पीने लगी हूँ। और रुबीना बाजी को भी कह रही हूँ कि आप भी पिए, बहुत ज्यादा है, मैं नहीं पी सकूंगी सारा, बैठ जाए। मैं बैठ जाती हूँ, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है।